ऊपर से है शक्ति, इसमें अंदर से है नरमी। पत्थर दिल भी पिघले फिर बाद में ऐसी गर्मी। आन बान से जीने वाली दुखियों की है जान। सपने में भी दिख जाए तो जालिम हो परेशान। जीवन की मर्यादा ताई जीवन की शान। ताई जीवन की मर्यादा ताई जीवन की शान। एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान। एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान। ताई 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 मनोज बेटा दौड़ के जा और श्यामचंद की दुकान से 10 किलो खोआ ले आ, और देख कहीं रुकना मत। जी अच्छा। क्या बात है हुकुम भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं ताई, इस हलवाई के बच्चे की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। कभी खोआ कम पड़ जाता है तो कभी चीनी कम पड़ जाती है, और तो और इस घर के लोग भी कुछ कम नहीं है। छुटके को सब्जी लाने के लिए भेजा तो लौकी लाना ही भूल गया। लिस्ट बना के दे दो ना। अरे चुप कर, छोड़ो, ये सब तो होता ही रहता है शादी ब्याह में। अब ये बताओ कि बारात कब आ रही है? ठीक 6 बजे जनवा से पहुंच जाएगी। हुकुम भाई घबराओ नहीं, भाई हम हैं ना, हमें बताओ क्या काम है। भाई कुसुम भी तो हमारी ही बेटी है। अरे मास्टर जी, अपनों से ही नहीं कहूंगा तो क्या गैरों से कहूंगा? आपसे बस इतनी विनती है, अगवाने के लिए वक्त पर पहुंच जाइएगा। चाचा चाचा। अरे तू खाली हाथ लौट आया, यहाँ हलवाई खोए की इंतजार में बैठा है? चाचा बात ही कुछ ऐसी है, सोचा आपको जल्दी से बता दूं। क्यों, क्या हुआ? घर से निकला ही था कि रास्ते में अकबर चाचा मिल गए। भागते ही चले जा रहे थे, उससे में पता चला कि रेशमा चाची का इंतकाल हो गया है। हे भगवान, ये कहर भी आज ही टूटना था। मैं भी सोचूं हबीब दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ऐसे मौकों पर तो वो आगे आगे रहता है। अनहोनी हो गई भैया, आज तक इस गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक घर से जनाजा उठे और दूसरे घर में शहनाई बजे। अब इस माहौल में शादी के गीत कौन गाएगा, कौन हंसी चिठोली करेगा? धीरज रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या रास्ता निकलेगा ताई, जनाजे का उठना टलेगा नहीं और बारात का आना रुकेगा नहीं। मैं चाहूं तो भी नहीं, क्योंकि हम लड़की वाले हैं, मर्जी तो लड़के वालों की ही चलेगी ना। बारात आएगी, बाजे बजेंगे, जितनी धूमधाम होगी उतनी ही उनके मन पर ठेस लगेगी, दिलों के बीच इतनी दरारें पड़ेंगी कि वो हम बरसों पाट नहीं सकेंगे। दिल छोटा ना करो, ये गांव भाईचारे की ऐसी डोर से बंधा है जो इतनी कच्ची नहीं है। ये अजीब टंटा खड़ा हो गया भाई, हमारा धर्म अलग उनका अलग, अब अकरम की अम्मी टपक गई तो हम क्या करें? अबे पहले ऐसा होता तो माँ जी शादी ना करते। चुप रहो, ये गांव होली और ईद साथ मनाता रहा है, धर्म की दुहाई देकर आपसी रिश्तों की जड़ मत काटो। लेकिन अब क्या करें? अभी तो राजू को हबीब भाई के घर भेजते हैं, वहां की कुछ खबर भी तो मिले, इसी भी सोचते हैं कि क्या करें। ठीक कहती हो ताई, संतान के मामले में माँ बाप बड़े स्वार्थी होते हैं। बेटी की फिक्र में मैं भी भाईचारे को भूल गया था। राजू बेटा, तुम हबीब भाई के घर जाओ और उन्हें हौसला बंधाओ। ठीक है। खुदा को जो मंजूर हो उसके सामने इंसान क्या कर सकता है, सब्र से काम लीजिए। अब मिट्टी को ठिकाने लगाने का इंतजाम करना चाहिए। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। ये आप हम पर छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूं
हुक्म भाई के यहाँ बारात आने से पहले जनाजे की रस्म पूरी हो जाए। अरे चाचा, उन्हें शादी की पड़ी हुई है, हमारे यहाँ मातम छाया हुआ है, लिहाज नाम की कोई चीज है कि नहीं? ना, ऐसा मत बोलो जुबैर, ऐसा मत बोलो, वो तो हमसे ज्यादा परेशान होंगे। उनकी बारात का रास्ता यहीं से गुजरता है। बारात 2 घंटे के बाद आ जाएगी? बारात दूर से आनी है, अब तक तो शायद चल चुकी होगी। मैं तो सब कुछ जल्दी कर देता, लेकिन रेशमा की आखिरी ख्वाहिश थी कि अकरम ही उसे सुपुर्द-ए-खाक करे। बेचारा मिल तो नहीं पाया, कम से कम ये फर्ज तो अंजाम दे ले। आपने किसी को भेजा अकरम को बुलाने के लिए? अकरम बेटा शहर में नहीं है। आपको कैसे मालूम? वो अकबर भाई को भेजा था ना, उन्हीं से मालूम चला मुझे। या खुदा, अब मैं क्या करूं? जनाजा निकालूं तो मरने वाले की रूह तो अटक रहेगी, पर ना निकालूं तो बेटी जैसी कुसुम का गुनाहगार बनूंगा। चाचा, क्या सारी इंसानियत का ठेका हमारे जिम्मे है? आप कुसुम को अपनी बेटी जैसी मान रहे हैं, क्या लोग रेशमा चाची को कुसुम की अम्मी जैसी मान रहे हैं? आज अगर सलमा का निकाह होता तो हम लोग क्या करते? एक ही लम्हे में उसका निकाह टालने का फैसला कर लेते। हाँ, जुबैर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, शादी 2 घंटे या 2 दिन के बाद भी हो सकती है, लेकिन अकरम को क्या अपनी अम्मी की लाश में मिट्टी डालने का मौका मिलेगा? और फिर जरा हम भी तो देखें कि उनके दिल में हमारे लिए कितना दर्द है। वाजिब बात है, हर हाल में अकरम का इंतजार करना होगा। जुबैर, अपने गम में हुक्म भाई की दुश्वारियों को कैसे भुला दूं? सारी उम्र के भाईचारे पर धूल कैसे डाल दूं मैं? अच्छा अच्छा, हमारा ये मतलब नहीं है, आप उनसे बात करके तो देखिए, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। देख राजू बेटा, एक काम कर दे, बारात के आने से पहले हबीब भाई के बेटे को यहाँ ले। कोशिश करता हूँ ताई। ताई, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अरे आप बिल्कुल नहीं घबराएं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हैं? आपने टेलीफोन तो कर ही दिया था, हो सकता है उनको निकलने में देर भी हो जाए। अगर वो थोड़ा सा वक्त दे देना तो अपनी बात बन सकती। कई लड़के वाले बड़े वहमी होते हैं मास्टर जी, पंडित से अगर उन्होंने मुहूर्त निकलवा कर बारात रवाना कराई तो वो कभी नहीं मानेंगे। भाई, आपकी जो टेलीफोन पर बात हुई थी, क्या कहा था लड़के वालों ने? उस वक्त लड़के का बाप कहीं पड़ोस में गया हुआ था, उसके भाई को मैंने बता दिया, लगता नहीं कि वो मानेंगे। ये तो वही बात हुई, ढाक के 3 पात। हाँ, अगर बात हो जाती तो मामला साफ हो जाता। हाँ, मुझे एक बात सूझी है। बोलो ताई, बोलो। इस वक्त मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर लड़के वालों से कह दिया जाए कि कम से कम आज के दिन बैंड बाजे ना बजाएं, तो हबीब के घर वालों को कुछ तो राहत मिलेगी ना। ताई, तुमने ये बात बड़े पते की कही। गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग गाँव से बाहर आकर हाथ जोड़कर विनती करें तो शायद वो मान जाए। ये ठीक रहेगा, लेकिन अकरम का क्या करें? ये नहीं हो सकता, अंतिम संस्कार हबीब भाई खुद कर दें। देखो भाई, ये उनके जज्बात का सवाल है और निजी मामला भी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देख हुकुम भाई, मेरा मन भी दुविधा में है, तेरी बेटी मेरी भी तो भांजी हुई ना। एक मन कहता है छोड़ दुनियादारी, आने दे बारा, और जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है तो सोचती हूँ दोनों मसले निपट जाएं तो ठीक है। तू जा और शाम की तैयारी कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। राम 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 राम।
मास्टर जी, सुबह से एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मरने वाली तो मुसलमान थी, उसका मजहब अलग, हमारा धर्म अलग। देखो भाई लाल सिंह, इस गांव में हम पहले इंसान और भाई, बाद में हिंदू मुसलमान। फिर हबीब की बीवी एक नेक दिल इंसान थी, उसका जितना भी बस चला उसने सबकी मदद की। मास्टर जी, इतनी ऊंची ऊंची बातें तो मैं नहीं जानती, बस एक मोटी सी बात जानती हूँ। हम सब इस गांव से बंधे हुए हैं, हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है। लो नंबरदार जी, करें क्या, ये हुकमचंद जी की तो समस्या दूर होती नहीं। राम राम जी। मास्टर जी, राम राम। राम राम ताई, हम लोग आप ही की समस्या में उलझे हुए हैं, लेकिन करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने और पंचों से भी राय ली, उन्हें भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अगर अकरम आ जाए तो कोई रास्ता निकाले। वो वहाँ कहाँ मिलेगा, वो तो शहर में है ही नहीं। सुना है वो हफ्ते भर से छुट्टी पर है। उसे ढूंढने के लिए किसी न किसी को तो जाना चाहिए। अरे उसने छुट्टी ले रखी है, अगर वो घर पर नहीं मिला तो उसे ढूंढने कहाँ मारे मारे फिरोगे। देर हो रही है, अब ये सोचो कि करना क्या है। अब अकरम को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। राम राम सरपंच जी। राम राम। अभी अभी लड़के वालों का संदेश आया है, ना तो बारात का आना रुक सकता है और ना शादी। लड़के वाले बड़े गुस्से में लगते हैं, कहलवाया है इसके बाद डेढ़ बरस तक कोई मुहूर्त नहीं है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगा मेरे रहते, मैं करवाऊंगी अपनी कुसुम बेटी की शादी। जरूरत पड़ी तो हबीब भाई के पैर पकड़कर कोई रास्ता निकालूंगी, फिकर ना कर। दोपहर होने को आ गई, लेकिन अकरम का अभी तक कुछ पता नहीं चला। चाचा, शहर में उसका कोई दोस्त तो होगा। सब दोस्तों को फोन करके देखिए, दफ्तर से उसने छुट्टी ले रखी है। एक दोस्त कह रहा था कि शायद वो शहर से बाहर अपने किसी दोस्त के घर गया है। अब क्या होगा चाचा? क्या बताऊं जुबैर, अब जब उसकी किस्मत में अपनी अम्मी का चेहरा देखना नहीं लिखा तो मैं क्या करूं। चाचा जान, मेरे ख्याल से कब्रिस्तान जाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन औरतों की जिद है, कुछ देर और इंतजार देख लेना चाहिए, शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर। चाचा जान, कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन कह भी ना गुजारा भी नहीं है। कुसुम के ससुराल वालों का कहना है कि शादी वक्त पर होगी और बहन बाजे के साथ होगी, वरना नहीं होगी। या अल्लाह रहम कर, मेरा इस तरह इम्तिहान मत ले। चाचा जान, खुदा अपने बंदों का सब्र आजमाता है। नबी तक को मुसीबतों का दरिया पार करना पड़ा था, आखिर में जीत सच्चाई की हुई। आप हिम्मत रखिए, वो दोनों जहां का मालिक आपके जज्बातों की बेकदरी नहीं होने देगा। यहां तो सभी अपने हैं, कुसुम हमारे भी कलेजे का टुकड़ा है, हमारी गोद में खेलकर बड़ी हुई है। मैं उसकी शादी में रुकावट का सबब बनना नहीं चाहता। रेशमा तो चली गई, लेकिन कुसुम की तो सारी जिंदगी का सवाल है। राजू बेटा, हुकमचंद भाई से जाकर कहो इस बूढ़े ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, वो शौक से अपनी बेटी की शादी करे, हमारे गम की किसी को परवाह न हो। हम कुसुम बिटिया की शादी में रुकावट नहीं बनेंगे। जुबैर, चलो जनाजा उठाने का इंतजाम करो। भाई हुकुम, हबीब भाई अपनी बीवी की लाश अपने बेटे के बिना कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। हाँ ताई, सुना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं राहत की सांस लूं या हबीब भाई के साथ हमदर्दी जताऊं? दोनों काम कर भाई, दोनों। हबीब वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए, तू वो कर जो तेरा कर्म है। चलो उन्हें सद्बुद्धि तो मिली, भगवान अन्याय नहीं होने देता। अरे एक बार तो उनकी बात सुनकर मैं सहम ही गया, लगा कि वो अपने मन की करके रहेंगे,
लेकिन वो है ना सबको नचाने वाला, उसने हमारा साथ दिया। किसी की भलमन साहब का यूं मखौल मत उड़ाओ भाई हुकुम। भाई हबीब के घर चलते हैं, उसे लगना नहीं चाहिए कि गम की घड़ी में वो अकेला है। चलो भाई, मेरा मैयत में जाना ठीक रहेगा क्या? आखिर मेरे घर बारात आने वाली है। भाई हुकुम, मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ, अकेले की बात होती तो मैं टाल जाती। हबीब ने तेरे लिए अपने बेटे का मोह छोड़ा है, तो उसके लिए अपना फर्ज निभा। मुझे तो अभी भी लगता है कि तुम दोनों की कुर्बानी कोई अच्छा नतीजा दिखाएगी। मेरी बात तो आप लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अपना काम निकार के फिर औरन की सुध ले। अरे अच्छी खासी शादी की छींचा लेदर कर दी। हुकुम भाई, आप जाइए शादी की तैयारियां कीजिए, इन्हें इनका काम करने दीजिए। तुम्हारी तरह सब सोचने लगे तो इस गांव का न जाने क्या हाल हो। कोई किसी की अर्थी में कंधा भी ना दे, सब अपनी अपनी देखे। चलो हुकुम भाई, हम अभी भाई के घर चलते हैं। ये तो जबरदस्ती हो गई। हाँ हाँ बेटो, कंधा मिलने जन दिया। अरे बारात दो घंटे देरी से भी आ सकती थी। इसका हमारी चलती कहाँ है? सुना है लड़की वाला तो मान गया है, लेकिन लड़का वाला अगर दिखा रहा है, हैं? चल खैर, जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। अरे बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना कि खुदा बड़ा कारसाज है। रमेश बेटा, तुम यहाँ कैसे? बाबूजी, अकरम और मैं एक ही कंपनी में काम करते हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अकरम रात को मेरे घर पर रुक गया था, हमें तो अभी दो घंटे पहले ही पता चला और हम सीधे यहाँ आ गए। अपने आप को संभालो मेरे दोस्त अकरम, अकरम अपने आप को संभालो। रमेश बेटे, हम तो तुम्हारे कर्जदार हो गए। आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। अकरम की माँ मेरी भी तो माँ हुई। हाँ बेटे, ये सब अचानक कैसे हो गया? पिछले हफ्ते आया था तो सब ठीक था। अकरम भाई, कल रात अचानक चाची की तबीयत खराब हो गई और आज उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? डॉक्टर को बुलाया था,
डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। झोला का मंजूर था सब हो गया। बस तुम सब रखो भाई। जी का संदेश आया है कि बारात ठीक टाइम पर ही आएगी। बाबूजी मुझे मालूम है, वो मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ आया हूँ ना, लेकिन मैं अकरम को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। बेटे अकरम, अपनी अम्मी से मिला। अकरम की अम्मी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी ना कि अकरम ही तुम्हें सुपर दिशा कर। दामाद जी तो रामनारायण जी से लड़कर आ गए हैं, अब क्या होगा? आप घबराओ नहीं, हम रामनारायण जी से टेलीफोन पे बात कर लेते हैं। लेकिन सोच लो क्या बात करेंगे। अरे सोचना क्या, कह देंगे जो होना था सो हो गया, अब लड़के को माफ कर दें। हाँ, अब भी बारात रवाना हो जाए तो वक्त पर पहुंच जाएगी। समधी जी भी तो यही चाहते हैं। एक बात और बताई, बिना दूल्हे के बारात वहाँ से चलेगी कैसे? अरे गेलिया है क्या, बारात वहाँ से बस में यहाँ आ जाएगी और यहाँ से बिना बैंड बाजे के हुकुम भाई के चली जाएगी। बस सोच लो। हाँ ताई जी, बैंड बाजा नहीं बजेगा, शादी बिना किसी टिमटाम के होगी। रमेश बेटा, मेरी एक ही बेटी है, बरसों की आस थी कि उसकी शादी में धूमधाम से करूंगा। आप ये क्यों बोल रहे हैं, शादी मेरी भी तो है, क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? पर आप क्या ये चाहते हैं कि मैं अपने दोस्त की माँ के मरने के दिन बैंड बाजे के साथ घोड़ी पर सवार हूँ? शाबाश बेटा, रमेश की बात में दम है। बेटा क्या रामनारायण जी मान जाएंगे? शायद नहीं, वही तो झगड़ा है। उनके बिना शादी कैसे होगी? सरपंच के यहाँ चलते हैं, वहीं से समधी जी को फोन कर लेंगे। ये ठीक है, चलो आओ। हेलो, रामनारायण जी से बात हो सकती है? जयराम जी की समधी जी, मैं हुकमचंद बोल रहा हूँ जी। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ जी। नहीं नहीं, रमेश बेटा यहाँ पहुँच गया है जी। ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी तो नाक कट जाएगी। मैं अपनी पगड़ी आपके पैरों में रखता हूँ। हेलो हेलो, रामराम जी, नहीं माने ना, मैं जानता था। बाबूजी मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, शादी के बाद मालूम नहीं रामनारायण जी मेरी बेटी को स्वीकार करेंगे भी या नहीं। मैं तो कुसुम को लेकर आशीर्वाद के लिए जाऊंगा ही, बाकी माँ संभाल लेगी। हुकुम भाई जल्दी कर, अब बातों में वक्त बर्बाद मत कर और सुन, शादी की रस्म सेंटर में ही होगी। अच्छा, मैं घर जाकर इंतजाम देखता हूँ। रमेश बेटा, तेरे घर का फोन नंबर क्या है? तेरे पिताजी से दो बातें करके मैं भी देखूं, शायद कुछ बात बन जाए। लड़के के पिताजी को बुलाइए, लड़के के पिताजी को बुलाइए। पंडित जी वो तो नहीं आए। तो ठीक है, लड़के के चाचा ताऊ कोई तो घर में होगा, उनको बुलाइए। पंडित जी एक बात बताइए, शादी दूल्हा के साथ होनी है या दूल्हा के घर वालों के साथ? और अगर ज्यादा ही जरूरी है तो हमें मान लीजिए रमेश बेटे का चाचा। तो ठीक है, लड़के के पिताजी का नाम और गोत्र तो बताइए। पिता का नाम है रामनारायण और गोत्र है, गोत्र मैं बताता हूँ। तो
दीदी आप यहाँ आए, धन्य भाग हमारे, मेरे तो सर से बोझ ही उतर गया। अरे आता कैसे नहीं भाई, ताई की कही हुई ये बात मेरे कान में अभी तक गूंज रही है। रमेश बेटे ने तो सारे गांव का मान रखा भाई साहब, तो क्या आप हुकम भाई का मान नहीं रखोगे? भाई मैं मामले की पेचीदगियों को नहीं समझ पाया, लेकिन ताई ने मुझे जब ये बताया कि रमेश बेटे ने गांव में फूट पड़ने से बचा लिया है तो मुझे बड़ा गर्व हुआ। अरे भाई मेरे बेटे की शादी में बैंड बाजा न बजने से इस गांव की एकता कायम रहती है, तो इससे बड़े खुशी की बात और मुझे क्या हो सकती है। ये है हबीब भाई, इन्हीं की बेगम का इंतकाल हुआ है। अल्लाह की मर्जी। अरे भाई आप दोनों के सामने तो मैं अपने आप को बड़ा छोटा सा महसूस कर रहा हूँ। अगर हर गांव में एक हबीब और एक हुकमचंद पैदा हो जाएं, तो न ये झगड़े हो न ये फसाद। अबे ओ नालायक, अरे मैं तो तुझे बच्चा समझता था, तू तो बाप का भी बाप निकला है।